क्या हमें जानना है कि हम फिग्मा में इजीली न्यूमेरिकल स्लाइडर कैसे बना सकते हैं और उसका एनिमेशन कैसे करवा सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूआईचएम। आज हम कुछ इस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं कि हम इजीली फिग्मा में वन बाय वन फ्रेम लेके कैसे न्यूमेरिकल स्लाइडर को एनिमेट करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक स्लाइडर करके एक फाइल लेके रखा हुआ है। तो अभी क्या करना है कि हमें पहले तो एक मोबाइल का कोई भी एक फ्रेम लेना है जिसमें हम वो स्लाइडर को एनिमेट करवा सके, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आईफोन का कोई भी साइज ले लेता हूँ जो कि स्टैंडर्डाइज 375x812, राइट। उसको नेम दे देता हूँ 1। और उसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो किसी भी तरह का बैकग्राउंड ऐड कर देंगे। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे इमेज ला के डाल देता हूँ। अभी के लिए मैंने आईफोन का ये जो स्टैंडर्डाइज वॉलपेपर है वही ला के डाल दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली पहले तो इसके ऊपर हमें, मतलब कि इसके बाहर हमें पहले क्या करना होगा कि 1 to 20, 1 to 25, 1 to 30 जितने भी नंबर्स आपको चाहिए वो स्लाइडर में, वर्टिकल स्लाइडर में, वो आपको रखने पड़ेंगे। सो पहले तो मैं यहाँ पे नंबर्स को वर्टिकली सेट कर देता हूँ। अभी के लिए मैं 1 टू 20 नंबर्स ले रहा हूँ और इसकी साइज में कर दे रहा हूँ 32 कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बड़ा भी लगे और अच्छा भी लगे। और इसकी साइज में चेंज कर देता हूँ फॉन्ट चेंज कर देता हूँ गिलरॉय, ओके। एंड इसको वर्टिकली यहाँ पे मैं सेट करते जा रहा हूँ, राइट। और इसको अभी मैं चेंज करके यहाँ पे रख दूंगा। सो हमारे वर्टिकल नंबर्स यहाँ पे सेट हो चुके हैं और उन सारों को मैं सेंटर अलाइन कर दे रहा हूँ, राइट। तो जो भी हमारा एनिमेशन होगा वो वर्टिकली अच्छा दिखेगा, राइट। एंड इसको मैं शिफ्ट ए प्रेस करके ऑटो लेआउट में डाल दूंगा। एंड उसका जो ओरिएंटेशन है, मतलब कि उसका जो प्लेसमेंट है, वो टॉप राइट पे रख दूंगा ताकि वो जो भी एनिमेट हो वो सारा कुछ हमारे एनिमेशन के साथ हो। फिर अभी हमें क्या करना है कि कोई भी एक फ्रेम लेना है सिंपल। एंड ये जो हमारा ऑटो लेआउट वाला फ्रेम है, मैं उसको उस फ्रेम में ला के रख दूंगा ताकि जो भी हमारा फ्रेम बना हुआ है उसमें हम इजीली ये जो भी एनिमेशन है वो करवा सके। ताकि इसका मैं पहले तो ये फ्रेम का फील हटा देता हूँ ताकि हमारे नंबर्स दिखे, राइट। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेम बना दिया है सिंपल और इसको मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दूंगा, नॉट सेंटर अलाइन। अभी इसके बाजू में मैं कोई भी एक टेक्स्ट डाल दूंगा के, लेट सपोज मैं कोई सोशल मीडिया के लिए पोस्ट या कुछ भी बना रहा हूँ, तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग हम अपना एनिमेशन करवा सकते हैं, राइट। तो इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया दोनों साइड से और ऊपर से भी, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्रेम रेडी। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली फ्रेम टू जो हमारा, मतलब हमारा मेन फ्रेम है, उसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। और ये जो हमारा बैकग्राउंड है उसको मैं हल्का सा ब्लर कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिखे कि कैसा हमारा एनिमेशन लग रहा है। और लेट सपोज मैं इसको भी बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो भी दिखे, राइट। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन का स्लाइड रेडी, राइट। अभी हमें क्या करना है, एक और टेक्स्ट भी डालना है जो कि है थैंक यू के, राइट। सो ये तो आ गया हमारा थैंक यू का टेक्स्ट। अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाना है पर फ्रेम से बाहर लेके नहीं जाना है, फ्रेम में ही रहना चाहिए पर ड्रैग करके नीचे लाना है जो कि मेन फ्रेम में दिखे नहीं, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट डन। देन आफ्टर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और जो हमारा ऑटो लेआउट किया गया नंबर्स का ग्रुप है उसको मैं बॉटम अलाइन कर दूंगा ताकि 20 जो हमें चाहिए नीचे वो आ जाए, राइट। और इसको भी मैंने अलाइन कर दिया और अगेन थर्ड ले लेता हूँ कॉपी ताकि जो हमारा थैंक यू वाला टेक्स्ट है वो भी हमें दिखे, राइट, एनिमेशन में। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से मैं जो ऑटो लेआउट वाला हमारा नंबर्स का ग्रुप है उसको मैं ग्रुप से यहाँ से फ्रेम से बाहर लेके जा रहा हूँ पर फ्रेम में ही रख रहा हूँ पर फ्रेम में से हाइड कर दे रहा हूँ, राइट। तो जो हमारा थैंक यू वाला टेक्स्ट है उसको मैं सेंटर अलाइन कर दे रहा हूँ ताकि फ्रेम में आ जाए। और जो हमारा थैंक यू का टेक्स्ट है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ से मैं हमारा फ्रेम का जो विड्थ है उसको बढ़ा दे रहा हूँ, राइट, दोनों साइड से। सो हमारा जो भी एनिमेशन होगा वो हमें दिखेगा, स्टिल अभी भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा,
इसकी साइज मैं फुल कर देता हूँ ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो दिखे। एंड मेक श्योर कि जो हमारा ऑटो लेआउट और वो के लिखा हुआ जो भी था वो हमारा सेंटर अलाइन और फ्रेम के साथ, राइट? तो एनिमेशन होगा वो अच्छे से दिखेगा आपको, राइट? तो हमारा हमारी तीनों फ्रेम्स रेडी हो गए। अभी मेन चीज़ आती है उसकी प्रोटोटाइपिंग। सो पहली फ्रेम से हमें प्रोटोटाइप स्टार्ट करना है और उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑन टैप की जगह आफ्टर डिले करना है और 1 ms कर देना है इंस्टेड ऑफ 800 ms, राइट? एंड स्मार्ट एनिमेट में आपको कस्टम स्प्रिंग करना है। कस्टम स्प्रिंग करते ही क्या करना है, आपकी जो स्टिफनेस है उसको 5 कर देना है, डंपिंग जो है उसको भी 5 कर देना है ताकि वो जो एंड में 20 आके स्लो हो जाए, राइट? एंड सेकेंड को आपको अगेन प्रोटोटाइपिंग ऑन करना है और उसका जो हमारा है वो भी आफ्टर डिले ही रखना है और वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्मार्ट एनिमेट और ईज इन एंड आउट रख सकते हैं, राइट? सो यहाँ से मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, मैं लेट सपोज यहाँ पे 500 कर देता हूँ एंड जो हमारा आफ्टर डिले है वो मैं यहाँ पे 500 कर दे रहा हूँ, दोनों 500 500। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही हमारा फिग्मा एनिमेशन लोड होगा हम देख लेंगे कि हमारा एनिमेशन कैसा दिख रहा है। सो जैसे ही हमारा एनिमेशन लोड होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने एनिमेशन किया है वो कितना कूल लग रहा है, राइट? सो अगेन मैं इसको रिस्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है। आई विल जस्ट हिट R ऑन द कीबोर्ड एंड बूम, आप देख सकते हैं कि जो हमारा 1:20 है वो कैसे स्लाइड हो रहा है और थैंक यू कैसे आ रहा है, राइट? सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस कॉन्टेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।